नमस्कार दोस्तों, मैं भारती भावसर खापिलो किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम हेल्दी अचार बनाएंगे, चने और मेथी का पानी वाला अचार बनाएंगे, जो कि सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसमें हम कैरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मैंने 1/4 कटोरी मेथी ली है। मेथी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये काले चने हैं जो कि हाई प्रोटीन से भरपूर हैं। इसका हम अचार बनाएंगे, तो पहले हम इन दोनों को एक साइड में रख देते हैं। अब मैंने 1/4 कटोरी सरसों या राई ली है, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच मोटी सौंफ का इस्तेमाल किया है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब मैं एक मिक्सर जार ले लेती हूँ, तो इसमें मैं सरसों या राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें सौंफ डाल देती हूँ और सारे मसाले हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। अब मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ, साथ ही मैं हल्दी मिर्च, ये देखिए मैंने सारे सूखे मसाले एक मिक्सर जार में डाल दिए हैं। और अब हम इसका दरदरा सा तैयार करेंगे मसाला। तो मैंने इसको दरदरा सा हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम हींग डाल देते हैं इसमें, और अब साथ ही मैं इसमें 2 कटोरी में पानी ऐड कर लूँगी। मैंने अभी दरदरा ही पीसा, एकदम पाउडर नहीं किया है। और अब मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है, अब इसको भी हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पानी वाला अचार बनने के लिए तैयार है। अब मैं इसमें 1 कटोरी चने और 1/4 कटोरी मेथी डाल के इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे 2 या 3 पानी से, जिससे इसमें जो भी गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी, अलग हो जाएगी। तो ये मैंने साफ़ कर लिया, और जो मैंने मसाला तैयार करा था पानी वाला, वो इस चने में मैंने डाल दिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया सा हमारा अचार बनकर रेडी हो रहा है, पानी वाला मेथी और चने का अचार। कई लोग मेथी और चने दोनों खाना पसंद करते हैं, बट कई लोग कैरी खाना नहीं पसंद करते हैं। तो ये बहुत हेल्दी अचार बनकर रेडी हो रहा है। तो आप इस अचार को ज़रूर इस्तेमाल करें अपने खाने में। अब मैं 2 चम्मच भरकर या 1/4 कटोरी सरसों का तेल डालूंगी। ये कच्चा ही तेल इस्तेमाल करेंगे हम, जिससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अब हम 10 से 12 घंटे के लिए ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, या आप 10 से 12 घंटे के लिए इसको ऐसे ही बाहर रखना है। तो ये चने अच्छे से गल गए हैं, कुछ एक दिन बाद या 12 घंटे के बाद कुछ चने मेथी इस टाइप के हो गए हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया चने और मेथी का पानी वाला अचार बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब आप इसको स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। आप 3 दिन इसको बाहर ही रखें या 2 दिन बाहर रख सकते हैं। अब मैं इसमें 2 ढक्कन या 3 ढक्कन विनेगर डालूंगी। मैंने टोटल 3 ढक्कन या 3 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल किया है, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक के लिए अच्छा फ्रेश बना रहे। और आप सिर्फ 2 दिन ही इसको, 2 या 3 दिन ही बाहर रखें, उसके बाद इसको फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं, जिससे आप 15 से 20 दिन या 1 महीने तक इसको आराम से खा सकते हैं, या और भी लॉन्ग टाइम तक के लिए आप खा सकते हैं इस अचार को। लेकिन इसको फ्रिज में स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको 3 दिन ही इस अचार को बाहर रखना है, उसके बाद इसको स्टोर कर फ्रिज में ही रख देना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर